हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स. सो गाइस, आई एम इन देहरादून एंड इट्स रेनिंग हियर एंड द वेदर इज रियली वेरी कूल. तो वेदर को देख के मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया कि साइंस ऑफ ट्रू फ्रेंड्स. आपके ट्रू फ्रेंड्स जो रियल फ्रेंड्स हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे आप. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो नंबर वन तो ये है कि दे अंडरस्टैंड यू. यस, दे अंडरस्टैंड यू ऑन डीप लेवल. वो उनको सब कुछ पता आपके बारे में. व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डोंट, सब कुछ, एवरीथिंग. व्हाट डू यू लव टू ईट, व्हाट इज द थिंग दैट रियली बग्स देम, सब कुछ पता होगा. तो देयर इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग. इवन इफ यू आर कीपिंग अ मम, यू आर साइलेंट, बट स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड योर साइलेंस. अगर ये नहीं है तो द मेन फैक्टर इज मिसिंग इन दैट फ्रेंड. अगर आपको लगता है ये मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, नहीं है, सॉरी टू से. नंबर सेकेंड वुड बी यू डोंट फील शाय और मे बी अंडर कॉन्फिडेंट व्हाइल यू इंटरेक्ट विद देम. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे भाई मुझे इसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस में लो फील हो, ऐसा नहीं लगेगा. यू विल फील सो कंपैटिबल, मींस कंपैटिबिलिटी रहेगी आप दोनों की, ठीक है. और आप सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं होंगे उनको कुछ बताने के लिए कि हाँ यू विल फ्लॉन्ट समथिंग या फिर कुछ चीज़ यू आर हाइडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा भी नहीं होगा. जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है. यू फील सेल्फ कॉन्शियस, आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं उनके साथ में, आप लो फील नहीं करते किसी भी वे में, वो आपको लो भी फील नहीं करवाते. नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए होगा कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस. मीन्स दे डोंट फील लाइक यू नो कि उनको बुरा लगेगा कि आप अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दे आर नॉट थ्रेटन्ड. वो डरते नहीं आपके सक्सेस से. अगर उनको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो, वो आपको छोड़ देते हैं या फिर दे स्टार्ट लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग कि अरे ये फालतू का काम कर रहा है, ये तो कुछ नहीं होगा, इट्स रियली वेरी हार्ड कहाँ, और इस तरह की बात है. मतलब वो इंसान जो है ना कहीं उससे डर है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे और वो बहुत पीछे छूट जाएगा. तो दीज पीपल आर रियली वेरी थ्रेटन्ड ऑफ योर सक्सेस, ठीक है. मतलब ऐसा होता है. अगर ऐसा कुछ लगेगा तो ही इज नॉट योर गुड फ्रेंड, ही और शी. नेक्स्ट क्या होगा कि व्हेन यू रियली नीड देम, व्हेन इट रियली मैटर्स, दे विल अपियर, दे विल शो अप. वो आ जाएंगे जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. और अगर प्रॉब्लम्स हुई या नीड में हुए एंड दे डिसअपियर, वो गायब हो जाते, दे वैनिश, तो समझ लो ये बिल्कुल बेकार था, ही और शी वॉज नॉट योर ट्रू फ्रेंड. अच्छा ही हुआ भीड़ कम हो गई. ओके, नेक्स्ट मुझे लगता है कि दे नोटिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इवन अ वेरी लिटिल थिंग अबाउट यू. क्योंकि वो आपको, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट. वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कहाँ आप अपसेट हो जाते हो, कहाँ आपको कैसा फील होता है. तो दे ट्राई रियली हार्ड टू मेक यू कंफर्टेबल. तो वो आपकी एक एक छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं क्योंकि उनको आपके साथ में लॉन्ग लाइफ रहना है ना, है ना. नेक्स्ट क्या लगता है मुझे कि वो लोग ना आपको सपोर्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे टाइम में जबकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब वो आपको बहुत ज़्यादा, दे विल स्टैंड बाय यू इन बैड टाइम्स. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स वो जरूर सपोर्ट करेंगे, सारे भाग जाएंगे, हाँ, लेकिन वो लोग हमेशा रहेंगे लाइक माउंटेन. और नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये लोग ना ये बहाने नहीं बनाएंगे. दे विल नेवर मेक लेम एक्सक्यूजेस टू अवॉइड द सिचुएशन. वेन एवर यू नीड देम दे विल शो अप. वो आ जाएंगे, वो दे विल यू नो दे विल मेक एफर्ट्स टू टेक यू नो टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर लाइफ. हाँ ठीक है, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज वेरी वेरी बिजी. कोई छोटा बच्चा भी होगा ना क्लास फर्स्ट का, वो बोले ओहो आई एम सो बिजी विद माई होमवर्क एंड ऑनलाइन क्लासेज दिस एंड दैट. ये सारे बहाने होते हैं, टाइम तो निकालने से निकल जाता है, ठीक है. तो ये लोग जो होते हैं दे मेक टाइम फॉर यू. वो टाइम निकालेंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे, हेक्टिक स्केड्यूल से दे विल टेक आउट टाइम फॉर यू इफ यू रियली मैटर इन देयर लाइफ. नेक्स्ट मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ना जेलस नहीं होते. दे डोंट गेट जेलस ऑफ यू. अगर बात कर रहे हो आप अपनी सक्सेस की और आप बता रहे हो, यू आर टेलिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स कि यार गाइस मैंने ऐसा किया ऐसा किया, और अगर दे ट्राई टू चेंज द ट्रैक, वो बात को चेंज करते हैं और आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और चेहरे से भी पता चल जाता है. यू नो कहते हैं ना फेस इज द मिरर ऑफ योर हार्ट. तो
आप चेहरे से पता लगा लोगे, थोड़ा नोटिस करना शुरू करो अपने फ्रेंड्स को कि कहीं लोग आपको डिच तो नहीं करने दे, आर चीटिंग ऑन यू, या फिर सिर्फ गुड टाइम्स के लिए आपका पैसा ही खर्चा करा रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा कुछ मतलब एनर्जी वैम्पायर की तरह आपका ये लोग मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं, आर दे टेकिंग एडवांटेज, तो ये देखो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है कि मुझे लगता है कि हाँ उनको इस बात का भी जेलस नहीं हुआ कि अगर आपके पास में और फ्रेंड्स है, इफ यू आर हैविंग अदर फ्रेंड्स, तो उनको ये नहीं लगेगा अरे यार ये मेरे साथ ही रहे, अरे ये मेरे साथ ही रहे, क्योंकि उसको कोई सेल्फिशनेस है, उसका कुछ कनिंग सा रीजन है कि वो आप ही के साथ में रहे। क्यों भाई, एवरीबॉडी इज फ्री, कोई भी किसी फ्रेंड के साथ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि दीज पीपल कैन कीप योर सीक्रेट्स, वो दूसरों को रिवील नहीं करते आपके सीक्रेट्स को, अपने अंदर तक रखते हैं। अगर ये सीक्रेट, अगर आपने अपने ट्रू फ्रेंड को कोई बात बताई एंड देन द सेम थिंग यू हर्ड फ्रॉम समबडी एल्स, इट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट ट्रू, बात को क्लियर करो उसी टाइम, ज्यादा मौके मत दो, एक बार दिया मिस्टेक, दूसरी बार दिया बाई चांस, थर्ड बार दिया इट्स हिज चॉइस, तो इसको छोड़ो, कट देम ऑफ। नेक्स्ट वुड बी, हाँ ऐसे लोग आपको ना दे एक्सेप्ट यू विद योर फ्लॉज, आपके अंदर कुछ कमियां भी है ना तो भी वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आपकी कमियों के साथ ही आपको स्वीकार करेंगे, दे विल एक्सेप्ट यू प्रॉपरली फुली कंप्लीटली, अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे इवन इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फ्लॉज। तो क्या हुआ, इंसान सुधर जाता है, नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, हम सब में खामी है, मुझ में भी होंगी, सभी में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे क्या लगता है कि हाँ अगर आप इनको कुछ अपना अच्छा बता रहे हो तो दे विल एक्सप्रेस देयर जेन्यून फीलिंग, ये नहीं कि वो लोग ही हाँ अच्छा किया ठीक है वेरी गुड हाँ 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 ऐसा है, या फिर दे विल मेक फन ऑफ यू, ऐसा नहीं, वो जेन्यूनली यू यू कैन फील, यू कैन फील द एसेंस, यू कैन फील दैट सेंस इफ दे आर रियली हैप्पी अबाउट योर सक्सेस, आपके गुड टाइम के लिए, किसी अकम्प्लिशमेंट के लिए, वो सच में उनका जेन्यून सा आ जाता है, एक चेहरे से ही आ जाता है, आप समझ रहे हो उस बात को, फील करना सीखो प्लीज, ट्राई टू नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये पूरी लाइफ का मैटर है। अगर ऐसे धोखेबाज लोग आपके साथ इतने साल तक रहेंगे और अचानक से आपको उनको छोड़ना पड़ जाएगा ना, इट रियली हर्ट्स, लेकिन अगर मेरा लिम्ब सड़ गया, खराब हो गया और ये कैंसर बन गया ना, आई हैव टू कट माई लिम्ब ऑफ, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी को बचाना है, इसलिए इनको जितने जल्द अपने लाइफ से कट ऑफ करो वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप सोचोगे मैम सुबह सुबह क्या बातें कर रही है, ये बात सच्चे बेटा, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए सबको क्या कहते हैं ना, अवेयर कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ, प्लीज जितने हमने चोटें खाई है, मेरा यूट्यूब बनाने का, ये चैनल बनाने का द मेन रीजन ऑफ मेकिंग दिस यू नो यूट्यूब चैनल, कि आप लोगों में अवेयर करा सकूं, आपको अपलिफ्ट कर सकूं, कि जो चोटें हमने खाई, जो चीजें हमारे साथ हुई, आपके साथ तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट्स तो मेरे बच्चों के जैसे होते हैं, और बाकी ऑल आर वेलकम। नेक्स्ट मैं ये बोलूंगी कि येस दे आर वेरी गुड एट कीपिंग देयर प्रोमिसेस, अगर वो वादा करते हैं तो वादा निभाते, मुझे नहीं, वट एवर टेक्स, मुझे नहीं पता, वट एवर टेक्स, वो कुछ भी करेंगे, दे वुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो करेंगे। नेक्स्ट है कि हाँ जैसे मुझे कभी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, आजकल तो आई एम कूल एंड काम, ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग मेडिटेशन एंड योगा ऑल्सो, सो आई एम ऑन स्पिरिचुअल पाथ, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट 6-7 years अगो का मैटर बता रही हूँ, तो मैं उस टाइम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, सभी हो जाते हैं एक एज में, छोटी एज में होता ही, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा गुस्सा मत करो। हाँ इफ यू आर आउट ऑफ योर टेम्पर, आप इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हो किसी बात में, आप इतना गुस्सा हो गए हो कि ओ माय गुडनेस, सो व्हेन यू लूज योर टेम्पर दे विल स्टे काम एंड पेशेंट, वो छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, आपको कूल एंड काम करेंगे, तो दे विल स्टे काम, ठीक है, और मैटर को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे आपको प्यार से, और वो आपको गुस्सा भी शांत कर देंगे, भागेंगे नहीं। नेक्स्ट मुझे लगता है कि दे विल पुट ऑल ऑल देयर एफर्ट्स, वो सारे एफर्ट्स डाल देंगे जस्ट बिकॉज टू मेक यू कंफर्टेबल, या फिर आपको एक यू नो इवॉल्वमेंट के लिए, जैसे आपकी डेवलपमेंट हो, जैसे कि प्रोग्रेस करो, अगर आप 12th पास ही हैं तो वो आपको कुछ 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 कह के यू नो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इज मस्ट यार, आज को तो हर कोई ग्रेजुएट कर 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 कैसे कर, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे वो वाला फ्रेंड था ना ये वो सो डल, बस तो ग्रेजुएशन कर यार, तू तो इतना डल, यू अबव एवरेज तो कर सकता, ऐसे कर करके अगर वो इवॉल्वमेंट में आपका साथ देता है, समझो ही इज योर ट्रू फ्रेंड, ही और शी, ठीक है। और लास्ट में तो मैं यही, वैसे तो बहुत सारे साइंस होंगे जो मुझे दिमाग में आया, आई टोल्ड यू, एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, राइट गाइज, सो आई होप इट विल हेल्प, और जस्ट गुड लक।